सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की। जी हाँ दोस्तों, जिनकी आने वाली फिल्म पठान का टीजर अनाउंसमेंट को आज रिलीज किया गया और इसके अंदर दिखाया गया है कि शाहरुख खान का फिल्म के अंदर रोल या उनका कैरेक्टर कैसा रहने वाला है। और यह सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म का अहम हिस्सा होने वाले दो कैरेक्टर जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो खुद जॉन इब्राहिम और दूसरी फिल्म की लीड हीरोइन दीपिका पादुकोण। और यह दोनों ही अपने अपने डायलॉग्स के अंदर शाहरुख खान यानी पठान के बारे में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया है उनके कैरेक्टर और उनकी हिस्ट्री के बारे में। और आप इस 1 मिनट और 5 सेकंड के टीजर अनाउंसमेंट से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म के अंदर शाहरुख खान का कैरेक्टर देशभक्ति की भावना से भरा हुआ रहने वाला है, जो देश के लिए अपनी जान लुटा दे और देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दे। जी हाँ दोस्तों, बात करें शाहरुख खान की तो पिछले लगभग 3 साल से शाहरुख खान की कोई भी बड़ी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई है। उनकी जो लास्ट रिलीज फिल्म थी वह थी जीरो, और वह भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेस नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख खान के फैंस और उनके चाहने वाले उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वह जल्द से जल्द फिर फिल्म पठान के ट्रेलर और उसकी फिल्म रिलीज डेट का फाइनल अनाउंसमेंट होने का इंतजार कर रहे हैं। तो यह थी बात आज रिलीज हुए ऑफिशियल टीजर अनाउंसमेंट शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के बारे में। जल्दी मुलाकात होगी नए किसी बॉलीवुड टॉपिक पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।